मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बैक पार्ट का बोट नेक डिजाइन। इसके लिए मैंने लंबाई ली है 14 इंच, चेस्ट के लिए मैंने लिया है 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग है। बोट नेक अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, गले के लिए मैंने 4 इंच लिया है, चौड़ाई में भी हम 4 इंच लेंगे। यहाँ गले के लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे और गले की गोलाई ड्रॉ करेंगे। गले साइड से मैंने 1 इंच लिया है और लंबाई में 10 इंच। अब इस यहाँ हम इसे हल्के हाथों से 5 शेप देंगे। आप चाहे तो यहाँ वी शेप भी दे सकते हैं और 5 शेप भी दे सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। कटे हुए पार्ट को हम साइड करके रख देंगे। यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग का प्रयोग किया है। आप चाहे तो इसे बिना पेपर पेस्टिंग भी बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग पे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए मैंने पेपर पेस्टिंग यहाँ लगाया है। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ हाथ से फिनिशिंग देते हुए हम इस सिलाई को लगाते हैं। एक सिलाई हम कॉर्नर पे लगाएंगे। बीच से हम कपड़े को कट करके निकाल देते हैं। यहाँ अस्तर के साथ मैंने मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए हम एक पैर के मार्जिन में सिलाई लगाएंगे। सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए लगाएंगे। अब यहाँ हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई को बचाते हुए हम यहाँ कट्स लगाएंगे। अब एक सिलाई हम पट्टी की तरफ करते हुए उसे लगाएंगे। फिनिशिंग के लिए सिलाई को लगाएंगे पट्टी की तरफ करते हुए। और अंदर की तरफ पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे। अब हम डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। इसे हम नीचे की तरफ से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ 1 इंच ज़्यादा करते हुए पेपर डबल पेपर के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर को हमने दोनों साइड सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। यहाँ 2.5 इंच चौड़ाई मैंने पट्टी तैयार कर ली है। अब पेपर पे हम ऐसे सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें फैब्रिक ज़्यादा लगता है, इस वजह से हम अपने फैब्रिक के अनुसार इसकी दूरी देखते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसे कंट्रास्ट कपड़े से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे ही हम नीचे की तरफ से भी सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए और दूरी देखते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से ही इस सिलाई को अच्छी तरह लगा लेते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक गले की तरफ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ निकाल देंगे। ग-
निकालने के लिए मैंने 1.5 इंच की यहाँ उरेब पट्टी ली है। पट्टी को अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ सिलाई लगाते हुए इसे फिनिशिंग के साथ पलट देंगे। पेपर पे नीचे की तरफ से मैंने 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्किंग कर ली है और पिन से अटैच कर लिया है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए अच्छे से अटैच करेंगे इसे। अब यहाँ से हम पेपर को निकाल देते हैं। डबल पेपर होने की वजह से ये जल्दी फटती नहीं है, इसलिए हम यहाँ डबल पेपर का ही यूज़ करेंगे। अब देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कितनी अच्छी बनी हुई है हमारी। अब नीचे की तरफ से हम टक्स लगाएंगे। 4.5 इंच तक का टक्स लगाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ डिज़ाइन हमारी बन के रेडी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।